देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसने पति से सब्जी लाने के लिए 30 रुपये मांगे थे, जिसके बाद उससे मारपीट की गई और 3 बार तलाक कहते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 9 साल पहले दादरी के ही रशीद के बेटे साबिर के साथ हुई थी। पीड़िता महिला ने बताया कि पति ने 1 सप्ताह पहले उसको घर खर्च के लिए 400 रुपये दिए थे। उसने सब्जी लाने के लिए 30 रुपये और मांग लिए। महिला के मुताबिक 30 रुपये मांगने पर पति इतना गुस्सा हुआ कि उसने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि पति ने उसे करंट लगाकर जान से मारने की भी कोशिश की। हंगामा सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई। महिला अपने मायके चली गई। शनिवार को वह अपने परिवारजनों संग ससुराल पहुंची, जहां पति ने 3 बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति साबिर, सास नबजोत, जेठ इदरीस, जेठानी शमा व देवर जाकिर के खिलाफ दादरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दादरी कोतवाली के SI अनुज कुमार के मुताबिक मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार है।